हेलो एवरीवन, दिस इज़ गणेश। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, अभी भी चल रहे वैसे। उसमें से एक प्रोजेक्ट था, मैं एक स्टोरी क्रिएट करनी थी 1 मिनट की, जिसमें 8 to 12 शॉर्ट्स होंगे। तो उस टाइम पे मैंने हमारे ब्लॉग्स के लिए काफ़ी कुछ कंटेंट क्रिएट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैंने एडिट नहीं किया और अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया। तो अभी मैं चेक कर रहा था, तो उसमें मुझे वो जो कुछ क्लिप्स थे वो मुझे डिलीट करने का मन ही नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो वो हम एक ब्लॉग बनाते हैं और उसमें वो सब क्लिप ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये ब्लॉग वही ब्लॉग है, उसमें हम मेरे फ्रेंड का एक शूट करने के लिए गए थे 1 मिनट का, हमारे कॉलेज के वहाँ पर एक टेकड़ी है वहाँ पर। तो उस टाइम पर मैंने कुछ बिहाइंड द सीन वीडियोज़ बनाए थे, वही वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो वीडियोस आप लोगों को कैसे लगे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो अभी हम वो वीडियोस देखते हैं। चलो देखिए गाइस जंगल का नजारा। अरे नहीं, मी धक्का देऊन जातो ना, रीजन देतो बघ। अरे चल 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 आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। झाड़ी करा रे असाइनमेंट दिया है, जिसमें हमें 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म टाइप बना के हमें सबमिट करनी है। सो सभी को इंडिविजुअली ये प्रोजेक्ट करना है। सभी मेरे एक फ्रेंड है, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, सो हम लोग भी यहाँ पे आए थे। मुझे भी मेरा भी शूट करना है और मेरी गोप्रो की बैटरी भी डाउन है, सो मैं कम से कम शूट कर रहा हूँ। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. अभी हम आ गए हैं नीचे और actually guys सीन ये है कि हम लोगों के assignments है, जिसमें हम लोगों को 1 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म टाइप बनाना है और जिसमें 8 to 12 शॉट्स होंगे। सो हमें इंडिविजुअली ये सब शूट करना है। सो हम ऊपर गए थे मेरे एक दोस्त का शूट करने के लिए, उसका अभी 90% हुआ है, 10% वो लोग कर रहे हैं, वो रात का सीन है। सो वो रात को उन लोगों को शूट करना है। तो अभी हम आए नीचे और अभी हम नाश्ता करेंगे कैंटीन में और उसके बाद जाएंगे घर पे। भैया हो गया, चल 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 आएगा दर ठेव ठेव उभं राहून खाऊ एवढं काय बस ठेव ना।